वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम जकाउल्ला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक MSW कोर्सेस। ये मास्टर्स कोर्स है, पूरी ए टू जेड डिटेल के बारे में हम पढ़ने वाले। इसके बारे में क्या है, क्या नहीं है, कौन एलिजिबल है, ए टू जेड डिटेल पढ़ने वाले। क्या क्या हमें जानना है इसके अंदर, सबसे पहली चीज़ एलिजिबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेशन क्या है, इसका कितना साल लगता है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम जानने वाले हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में जानने वाले, स्पेशलाइजेशन, जॉब पोजीशन, जॉब सेक्टर, टॉप इंस्टीट्यूट फॉर डिस्टेंस मोड। डिस्टेंस मोड मतलब पूरी ए टू जेड डिटेल के बारे में पढ़ने वाले। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, पूरी ए टू जेड MSW कोर्सेज के बारे हम देखने वाले। क्या इसकी प्रोसीजर है, क्या नहीं है, कैसे अप्लाई करना है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, पूरी ए टू जेड जानकारी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। MSW कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। ये मास्टर्स कोर्स है, ठीक है, ये 2 साल का होता है। कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। आप जब इसको करेंगे तो 2 साल एटलीस्ट लगेगा, जब आप पूरे एग्ज़ाम क्रैक करोगे तो। अगर फेल हो गए तो वो आपको आगे KT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी सबसे पहली चीज़, ये 2 तरीके से होता है, एक तो रेगुलर से होता है, एक होता है डिस्टेंस मोड। रेगुलर मतलब क्या होता है, रेगुलर मतलब आप कॉलेज जा रहे हो, आ रहे हो, और डिस्टेंस मोड मतलब आप घर बैठे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा घर से पढ़ाई करके। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, डिग्री के बारे में हमें डिस्कस करना है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहली चीज़ तो डिग्री कंपलसरी है, एनी स्ट्रीम से, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। सबसे पहले चीज़ एलिजिबल कौन है इसके लिए, BSW मतलब बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम से होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस से करना चाहिए, स्पेशलिस्ट साइंस या मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ों से होगा तभी ही ये, क्योंकि ये मास्टर्स कोर्सेस है, इसकी एलिजिबिलिटी एटलीस्ट बैचलर तो होनी ही चाहिए। BSW करा है तो उसको MSW ज़्यादा ईजी पड़े एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुएशन लेवल से। ठीक है, और BSW में पूरी इसकी बेसिक्स रहती है, MSW इसका क्या है, मास्टर्स है, इसी के बेस पे ज़्यादा वो कैचअप कर सकता है जो BSW के स्टूडेंट है। ठीक है, और जो ग्रेजुएशन है उन लोगों को थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है इसका। ठीक है, एडमिशन्स के लिए आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, डायरेक्ट आप लोग का एडमिशन्स नहीं होगा विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्किल असेसमेंट टेस्ट, BHU PET, TISS नीट, चेस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, MS यूनिवर्सिटी रिटर्न टेस्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप लोग को इसको प्रिपेयर करना है अच्छे से, विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग का एडमिशन्स नहीं हो सकता है, भले से BS आप लोग का बैचलर में कितना भी परसेंट हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी है। ठीक है, अब देखते हैं हम एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस कैसा है और इसका क्या है, आप लोग को क्या क्या इसके अंदर पढ़ाई करना है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस की पूरी डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, फुल टू डिटेल में रीजनिंग के बारे में, सोशल वर्कर एंड वर्बल एबिलिटी के बारे में। आप लोग को 4 टॉपिक्स आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम में पढ़ना रहेगा जो MCQ बेस्ड रहेगा। ठीक है, आप लोग को ये 2 आवर्स का रहेगा। ठीक है, और रीजनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस पर ज़्यादा आप लोग फोकस करो, इसको क्रैक करना है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये तो हमारा 4 टॉपिक क्लियर हो गया, जनरल अवेयरनेस देख लिया, रीजनिंग है, रीजनिंग के बारे में पढ़ना है, सोशल वर्कर एंड वर्बल एबिलिटी। अब स्पेशलाइजेशन के बारे में हमें देखना है, स्पेशलाइजेशन आप कौन से स्ट्रीम से मतलब किस में करना चाहते हो। ठीक है, अभी हमें देखना है ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट से आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी एंड कॉर्पोरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, मेडिकल एंड साइस्टिक, सोशल वर्क, रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप देख सकते हैं। अब देखिए जॉब पोजीशन के बारे में, जॉब पोजीशन किसके लिए है। ठीक है, सबसे पहले आप सोशल वर्कर बन सकते हो, पब्लिक वेलफेयर मैनेजर बन सकते हो,
कंसल्टेंट में जा सकते हो, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हैं एज अ टीचर, ठीक है, फिर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, ये आप लोग के लिए जॉब्स है, ठीक है, पोजीशंस है। MSW करते हो तो आप टीचिंग तो एक प्रोफेशनल है, ठीक है, और बाकी का है सोशल वर्कर अच्छा है, पब्लिक वेलफेयर मैनेजर भी कर सकते हो आप। ये टॉपिक्स बहुत है इसके अंदर, इसको बहुत ही अच्छा खासा स्कोप है इसके अंदर, ठीक है। अब जॉब सेक्टर की बात करते हैं हम, जॉब सेक्टर क्या है, ठीक है, इसके अंदर कौन से सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग काम कर सकते हैं, NGOs में काम कर सकते हैं, ग्लोबल काउंसलिंग सेंटर में काम कर सकते हैं, हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में, ह्यूमन राइट एजेंसीज़ में आप काम कर सकते हैं, ठीक है, एजेंसीज़ भी बहुत सारी रहती है, ये जॉब सेक्टर है। गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हैं, एज वेल एज प्राइवेट में भी आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले NGO से जुड़ना, ठीक है, NGO से जुड़ेंगे तो आप लोग को काफ़ी नॉलेज होगी, जो MSW बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है NGO वाले को, ठीक है। अगर आपके पास MSW की डिग्री है तो आप NGO में अच्छा कर सकते हैं परफॉर्मेंस, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर का है, हेल्थ इंडस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स एजेंसी भी है, ठीक है। वे ये मतलब मैं ऐसे टॉपिक्स उठाया, अभी इंटरनेशनल लेवल की बात किया जाए तो नेशनल लेवल की थी ये, अब इंटरनेशनल में आप देख सकते हो CINI है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डिपार्टमेंट, UNESCO है, यूनिसेफ है, हेल्प एज इंडिया है, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे आप जॉब कर सकते हो ऐसा आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब टॉप इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, टॉप इंस्टीट्यूट में क्या क्या है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये मुंबई में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क यानी चेन्नई में है ये प्रेजेंट, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में है, ठीक है, फिर क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, और ये क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर में है। ये आप देख सकते हैं इसके कुछ कुछ टॉप इंस्टीट्यूट है ये, और भी काफ़ी आप लोग को गूगल्स पे मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं, मैं टॉप इंस्टीट्यूट निकाल के आप लोग को दिखाया हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस मोड के बारे में, ठीक है, डिस्टेंस जो मोड होता है यानी कि आपको घर बैठे ही पढ़ना रहेगा, IGNOU में कर सकते हैं, भोज ओपन यूनिवर्सिटी MP में, डॉक्टर बाबा राव अंबेडकर जो है, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी यहां से कर सकते हैं, टॉप ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ये डिस्टेंस मोड मतलब आप लोग को घर पे ही रहना है, घर पे स्टडी करना है, खाली आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने, ये चाहे ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। अब MSW कोर्स की फ़ीस के बारे में हम जान लेते हैं। अब इसकी हर हम एटलीस्ट हर कॉलेज की फ़ीस तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये कोर्स 1 लाख से 2 लाख के बीच में होता है, वो डिपेंड करता है कौन सी इंस्टीट्यूट है और उसका क्या डिमांड है। हम एवरेज की बात करा जाए तो एटलीस्ट 1 लाख लगता है, ठीक है। ये आज के लिए इतना काफ़ी था हमारे लिए, मैं आप लोग को पूरी डिटेल बता चुका हूँ MSW, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।